हरे कृष्णा, जी जी हरे बोलिए। हरे मुरारी, हरे मुरारी, कृष्णा हरे कृष्णा करे हरे मुरारी, करे क्या गोपियों करे की मुरारी सवारी। क्या बोले? हरे अरे कृष्णा हरे मुरारी। करे गोपियों की सवारी। आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? कुब्जा हम तो की वो बोल रहे चार हैं। दीवारी, कुब्जा के घर की चार दीवारी, जिसके बारे में आपको बताए क्या थे अमित प्रॉब्लम तिवारी, जिसके बारे में है? बताए थे वाह अमित वाह, तिवारी। हरे बहुत सही, कृष्णा बहुत हरे सही। मुरारी। जब आई कुब्जा सामने तो पैंट उतारी, हरे कृष्णा हरे मुरारी। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, और तो बताइए। फिर हाँ और बताइए सर, कैसे वैसे हो? आप ये बताइए मुझे कि अरे आपको जो है वो हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वाह, कहाँ। सुकून आ गया, सुकून आ गया। आज तो महीनों बार कोई आके सर आपको तो ये हम गुड़ वाली चाय पिलाएंगे। हरे कृष्णा भाई, बैठो आप। इतने आप ने, हमको हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, तो हमारे भाई हैं सब। तो फिर तो फिर कुछ है नहीं, बस आपको ऐसा लगता है कि हमको प्रॉब्लम है? दिखा रहे हो ना ब्राह्मणों के बारे में, दिखा भगवान रहे हैं के मतलब? बारे में, सब नहीं, हम ब्राह्मणों का मतलब सब। भगवान का कुछ नहीं दिखाया हम लोग तो। भगवान खुद ही इतना दिखा दिए थे, डायरेक्ट शिवलिंग है, लिंग दिखा दिए भगवान। तो क्या गलत हुआ? गलत कुछ नहीं है, मैं तो बता रहा हूं बस कि भगवान खुद ही दिखा दिए थे। दारू बन गए थे जब भोलेनाथ, उस समय हाँ तो दिखाए तो क्या हुआ? तो कट गया था ना वहां, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। शिवपुराण में ऐसा लिखा है? हाँ, कि कट गया था। जी हम तो कृष्णा भक्त हैं। कुब्जा के बारे में जानते हैं आप? नहीं कुब्जा का नाम सुने हैं कभी? नहीं उपनिषद मानते हैं? हम कृष्णा को मानते हैं, उपनिषद जी मानते हैं। बृहद अरण्यक उपनिषद के बारे में सुने? वेद से ही आया ना सब कुछ। हाँ हाँ सुने। जी पढ़ी नहीं है कभी। वो आपको क्या लगता है, सही है? जी वेद से ही उसका ट्रांसलेट हुआ है तो सही होगी। आपका वीर्य निकलता है, जी स्खलित तो के पृथ्वी पर गिरा है कभी, जमीन पर? हाँ क्या किए हैं उसका फिर आप? ऐसी सब बातें क्यों कर रहे हो ये बताइए। बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में बता रहा हूं ना भाई, क्या करना है वही तो। उससे मेरा क्या डायरेक्ट लेना क्वेश्चन, देना भाई? वीर्य आपका पृथ्वी पर गिर रहा है, उपनिषद आप मानते हो भाई, तो वही तो। मैं तो डायरेक्ट पूछता हूं, मैं तो कोई झिझक नहीं है। मैं तो क्या मतलब, मैं तो खुद ही सनातनी आदमी हूं यार, मैं तो धर्म का प्रचार करता हूं, तो ऐसे ही करता हूं। आप आपका सनातनी वीर्य हो जब तो ऐसा ऐसा आपका बोलते नहीं वीर्य हो। आपका वीर्य जब पृथ्वी पर गिरा तो क्या किए पहले बताओ। आप मुझे क्यों बीच में ला रहे हो ये बताइए। जो क्योंकि आप ऐसा आप सब बोलिए ना,
क्योंकि आप मानते हैं ना उपनिषद को जी, आपको सनातन का ज्ञान नहीं है। सुनो, दिखा दूं आजाद कि अलग अलग से करोगे इसको? दिखा दो, अलग से करना है आप देख लो, अलग से नहीं बताना आपको करना, आपको नहीं, नहीं आपको करना है अलग से तो अलग से कर दें, वो आप देख लें। नहीं, इनको दिखा दो कि अलग करेंगे स्ट्रीम, अलग भी कर लेंगे, दिखा रहे हो तो दिखा दो। नहीं, इनका वीर क्या पृथ्वी पर गिर गया था ना यार, इनको दिखाना जरूरी हो गया। हाँ जरूरी है ना यार, फिर मिलते नहीं है ना लोग। ये देखिए इस पर वृहद अरण्यक उपनिषद में आया है, आज जो मेरा वीर स्खलित होकर पृथ्वी पर गिरा है, जो पहले कभी अन्न में गिरा है तो कभी जल में पड़ा है, मैं उस वीर को ग्रहण करता हूँ, ऐसा कहकर अनामिका यानी छोटी उंगली और अंगुष्ठ यानी अंगूठे से उस वीर को ग्रहण कर दोनों स्तनों और भावों के बीच में लगाए, और लगाते समय कहें, जो स्खलित वीर मेरे बाहर निकल गई है वो मेरी इंद्री पुणे मेरे पास लौट आओ। हरे कृष्ण भाई। सर स्तन ना हो तो फिर कहां लगेंगे? स्तन सर निप्पल्स। अच्छा अच्छा, मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है भाई? भाई वीर रे को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोल लो यार, मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट में जिसमें आप समझ रहे हो। इसके लिए भी कोई कॉन्टेक्स्ट होता है क्या? एक ही कॉन्टेक्स्ट है इसमें। ये बृहद अरण्यक उपनिषद 6-4-5 में आया है। ये उपनिषद तो मैंने कभी पढ़ा है नहीं, पहली बात तो ये तो अगर लिखा होगा। अब आपको यही करना है, जब भी कभी वीर निकले आपका तो उसको आप छोटी उंगली और अंगूठे में लीजिए, समझे, और अपने स्तन में अपने निप्पल्स पे लगाइए और अपने भौं के बीच में, और लगाते समय बोलिए, हे मेरे वीर अब मेरे अंदर वापस समा जा, ऐसे करके वो आपके अंदर शक्ति वापस आएगी। पहली बात तो ये मैंने कभी ये सब पढ़ा है नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसी के लिए तो मैं मौजूद हूँ यहाँ, मेरा अवतार इसीलिए हुआ है भाई पृथ्वी लोक पे, इसके पहले मैं किसी और लोक पे टुन्नी खा रहा था। भगवान कृष्ण में यही सब दिखता है क्या? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अमित तिवारी तुम यहाँ जाओ, यहाँ ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर, आपको शास्त्र में यही सब चीजें दिखती है क्या? और भी कितनी चीजें अच्छी है। अच्छा एक बात बताओ, वीर जरूरी है? जी जरूरी है। तो जरूरी चीज के बारे में नहीं बताऊं आपको, फालतू काम बताता रहूं बैठ के। अवतार इसीलिए लिया है सर आपने? हाँ मेरा अवतार इसीलिए हुआ है भाई। मैं आरडी की कहानी सुनाऊं? मतलब आप ये व्यभिचारी दिखाओगे कश्यप को शास्त्रों में? विष्णु जी का वीर अवतार है ये, वीर अवतार विष्णु जी का। हाँ व्यभिचारी दिखाओगे आप सबको? व्याभिचारी कहाँ है यार इसमें? क्या व्यभिचार है भाई, मतलब ये सब गंदी चीजें ही दिखा रहे हो मुझे यार। बृहदारण्यक उपनिषद गंदा है, वीर कहाँ से गंदा हो गया भाई, आप वहीं से तो निकले उस वीर से। जी वो सत्य है। क्या सत्य? वीर जी, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ असत्य है। ये कहां पे लिखा है? वृहद अरण्यक उपनिषद श्लोक नंबर 5 6-5-4 6 है क्या आपके पास? नहीं तो मैं डाउनलोड करके गुरु जी को पूछूंगा। अरे वीर कैसे से पूछोगे कि वीर का क्या करूंगा? वीर डाउनलोड कैसे करेंगे सर ये? हाँ वीर कैसे डाउनलोड करोगे यार? वीर तो अपलोड रहता, अपलोड किया जाता। पहले से नहीं, नहीं डाउनलोड सही तो बोल रहे सर, लोड को डाउन कर देंगे ना ये। अच्छा अच्छा,
आप सब लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो गया है और आप दूसरे का भी कर रहे हो। शास्त्र जो हमारा है वो बहुत ही प्यारी चीज होती है, प्यारी आप उनको गलत वे में दिखाते हो, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं भगवान को कभी माफ नहीं करूंगा यार, भगवान क्या। वैसे सर आप किस कॉन्टेस्ट में वीर निकालते हो और वो तो बताओ थोड़ा। अच्छा यार एक बात बताओ जी, झूले लाल भगवान के बारे में कुछ बता दो हमें साईं। झूले लाल भगवान ये कौन थे यार सर? झूले लाल भगवान झूले में झूलते थे। अब उनसे भी आपको दिक्कत हो गई। नहीं बताइए ना कौन थे, फिर मैं बताऊंगा, फिर उनकी भी मजाक उड़ाओगे आप। नहीं 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 उड़ाएंगे, झूले लाल भगवान के बारे में बताते। पाकिस्तानी नागरिक मुझे साईं झूले लाल भगवान मुझे नहीं बताना, बता दो नहीं बताना मुझे, नहीं 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 बताना। ये मछली के ऊपर रहते थे क्या? जी नहीं। फिर मछली के ऊपर और जब नॉलेज देते थे तो ज्ञान का प्रतीक है। नॉलेज देते थे वो ज्ञान का प्रतीक है, मतलब इस कंटेंट्स में दिया हुआ है इसे। मछली कौन सी थी भाई? कौन सी मछली थी ये? भाई आप ये सब क्यों दिखा रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ भाई, चटरी चंद्र मनाते हो क्या? उसमें क्या होता है? आपको क्या है मॉरल सर? इसमें क्या हंसने वाली बात है? मॉरल सर म्यूट हो गए। हाँ भाई चेटरी चांदर में क्या करते हैं यार ये बताओ। अब बाकी छोड़ो यार, चेटरी चांद नहीं, चेटी चांद बोलते उसे। हाँ वही चेटी चांद यार, क्या करते हैं बता दो भाई। चांद नहीं, चांद 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 निकलते हैं भाई। आपको क्या लेना देना है? आपको क्या लेना देना उससे? अरे मैं जानना चाहता हूँ भाई यार, आप कैसे कर रहे हो यार? तो यूट्यूब पे वीडियो है, आप जान लीजिए सब कुछ। अरे तो आप आ गए हो तो बता दो ना, ये झूले लाल भगवान किसको ज्ञान देते थे मछली पे बैठ के? हम सबको। अच्छा ये जयराम जी भाई भी आ गए, इनसे भी बात करवा देते। हाँ भाई जयराम जी। जय भीम नीले कबूतरो मोरल बेटा, क्या हाल है? नीला कबूतर तो ये बैठा हुआ है भाई, ये सामने में नीला, ये देख ले यार, ये नीला झूले लाल भगवान बैठा नीचे बैठा। ओ भाई ये आपके भगवान को नीला कबूतर बोल रहा है यार। ये देखो ये बात करवा राम जी का, ये राम जी के बानर से ना आपके भगवान को नीला कबूतर बोल दी। हाँ भाई हरे कृष्ण, उनके बोलने से हमारे भगवान ऐसे नहीं हो जाएंगे। वो भगवान की सकल कबूतर जैसी यार वैसे। इससे बात तो करो, मुंह क्यों नहीं दिखाते हो क्या मरोल बेटा? यार ये देखो क्या बोल रहे यार आपको भगवान को यार, देखो बेटा बोल रहा भाई। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। आपके भगवान को ये क्या बोल रहे? जय राम जी की, वानर सेन है राम भगवान की। अरे मीम वालो, जय जय मीम वालो, मेरे कबूतर तुम लोग को बोल रहा हूँ। बताओ यार ये क्या बोल रहे? देखो झूले लाल भगवान को, उनको नहीं बोल रहा, तुमको बोल रहे हो। फेंक के मारो भाई इसको, चेटी चंड फेंक के मारो। वो उनको नहीं बोल रहा, वो तुम लोगों को बोल रहे हैं नीले कबूतर। अरे वो आपके भगवान को बोल रहा है नीला कबूतर, ये कबूतर जैसा दिख भी रहा है, ये नीला कपड़ा पहना हुआ है। वो नीला कपड़ा भी पहना हुआ है भाई, ये देखो तो। मतलब जिसने नीला पेला होता है वो सारे नीले कबूतर होते हैं।
कबूतर जैसे नहीं अच्छा, है झूलेलाल भगवान की। अच्छा जयराम भाई ये सुरभि जैन अच्छा, कौन है? कबूतर की दाढ़ी होती है जयराम भाई। अरे वैसे ये बता सुरभि ये सुरभि जैन कौन है? सुरभि जैन उसकी मम्मी है। ये सुरभि जैन कौन है? मम्मी तेरी चिमटा बोल रहे झूलेलाल को चिमटा बोल रहा है। चिमटा बोल रहा है यार वो तुम लोगों को बोल रहा है मुझे नहीं यार। ये कागज क्या पकड़े हुए भाई? चेटी भाई और वो कागज की पोंगली जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो देखो यार क्या क्या बोल रहा है यार वो तुम लोगों को बोल रहा है भाई। नहीं नहीं भाई ये पाकिस्तानी भगवान को बोल रहा है वो, ऐसा हमें क्यों बोलेगा यार? ये भगवान पाकिस्तानी तो इंडियन भाई और क्या सर, ये सिंध वाले भगवान हो गए और क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के भगवान तो नहीं सर कहीं ये। हाँ यही तो है चेटी भाई। बताओ ना यार हरे कृष्णा यार आप कुछ बोलते ही नहीं हो यार। बताओ पहले ये फोटो हटाइए यहाँ से। क्यों ये आपको अच्छी नहीं लग रही फोटो? फोटो में क्या हो गया यार आपके भगवान की तो है। बंदर वाले जी आपके चैनल पे अच्छे नहीं लग रही है। क्यों नहीं? क्या हो गया? क्या हो गया भाई? बंदर वाले आप हर एक भगवान की मजाक उड़ाते हो, अच्छी बात नहीं है। कैसे नहीं उड़ाते यार? राजा दाहिर कौन था? क्या बोलो वो सब बात जाने दो। अभी क्या बोला आपने? नीला कबूतर, कबूतर जैसा मुंह है बोल के गया वो बोल के गया कि ये किसका कबूतर जैसा मुंह है ये नीला कबूतर? वो बंदर वाला है ना, जो बंदर भगवान वाला, वो बोल के गया आपसे ऐसा? वो आप ही का आदमी होगा। वो आप हमारा आदमी कहाँ से होगा भाई? बंदर गॉड वाला आपके आदमी को बोल रहे नीला कबूतर? मतलब आपके ही लोग हो गए ना जो ऐसे सब हरकतें करते हैं? नहीं नहीं सर वो हम क्यों करेंगे, बंदर बंदर वाले गॉड को मानता है वो। सारे के सारे भगवान होते हैं, आप नहीं मानते तो क्या मजाक उड़ाएगी क्या इन लोगों की? कहां मजाक उड़ाए भाई, हम वो उड़ा रहा है सर। बंदर बंदर बोल रहे हो सर? बंदर वाले भगवान मीन्स क्या? वानर सेना है ना, वानर सेना है और क्या। बंदर को बंदर ही तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बांदरी बोलते हैं। हनुमान जी वो हा? वो हनुमान जी है। अच्छा कौन थे वो? बंदर थे ना वो? बंदर का बंदर जैसी शक्ल थी, बंदर नहीं थे। आपने कभी देखा है क्या कभी बंदर बोलते हुए, बंदर दो पांव पे चलते हुए? सुनो पूछ देखी है मैंने बंदर की। अरे बंदर जैसा रूप था, बंदर नहीं थे वो। अच्छा उनकी शक्ल बंदर जैसी थी आप बोल रहे हो? जी दिखा दो सर दिखा दो। इसकी शक्ल किसके जैसी भाई? ये थोड़ी ना बंदर है ये। नहीं नहीं इसकी शक्ल किसके जैसी पूछ रहा हूँ। मुर्गे जैसे, मुर्गा ही है। तो ये क्या है? मुर्गा है। और इसकी शक्ल किसके जैसी है? इसकी शक्ल किसके जैसी है? अरे भाई ये मुर्गा ही है, शक्ल वकल क्या है? शक्ल किसके जैसी है पूछ रहा हूँ, मुर्गा जैसी है ना? हाँ तो ये क्या है? मुर्गा है। इसकी शक्ल किसके जैसी है? ये हनुमान जी है। इनकी शक्ल किसके जैसी है? वानर जैसी है पर है हनुमान जी है ना? पूछ देख रही कि नहीं? तो ये क्या है? हनुमान जी। भाई आप समझ नहीं रहे हो बात को। इसकी शक्ल मुर्गे जैसी है, ये मुर्गा है? हाँ इसने कपड़ा पहना है क्या? ये बोल सकता है क्या? बातचीत कर सकते हैं? कपड़ा पहन लेगा? अच्छा। कपड़ा अगर पहना होगा तो मुर्गा नहीं होगा? हवा में उड़ सकते हैं? एक मिनट, कपड़ा अगर पहना रहेगा तो ये मुर्गा नहीं होगा बोल रहे हो? ये देखो भाई मुर्गा लोग कपड़ा पहने, ये देखो
देखो स्वेटर पहने भाई, क्या ही है तुम्हारा ये, क्या है ये, क्या है मुर्गा लोग स्वेटर पहने यहाँ ये सब एआई के जिस एआई अब क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बोलूं, मतलब फिर से मैं पूछ रहा हूँ, सुनो 1000 लोग आपको देख रहे हैं, इसकी शक्ल मुर्गे जैसी ये मुर्गा है, है ना जी। यस, पर यस। ये भगवान तो है, भगवान तो नहीं है ना ये, नहीं नहीं भगवान, भगवान। इसकी शक्ल किसके जैसी है, ये भगवान है। अरे तो किस शक्ल किसके जैसी की शक्ल शक्ल बंदर जैसी है, पर ये भगवान है, मंकी गॉड, मगर ये क्या है, बंदर है ना, भगवान है, भगवान है, भगवान है जी। क्या करते थे ये जी, इन्होंने बहुत कुछ किया है और आगे भी इनकी लीला होगी, ये करते ही रहेंगे आगे भी सब कुछ, क्या करते आगे भी करते रहते हैं। चलो ये बताओ ये क्या पहने, गमछा, पूंछ है, पूंछ दिख रही है जी, तो ये गमछे में छेद है पीछे, आप पीछे देखने गए थे, अरे तो छेद है क्या, वही तो पूछ रहा हूँ, दिखा दो सर से पीछे, पता नहीं, पता नहीं तो फिर पूछ कैसे निकलेगी, छेद ही तो होगा सर, छेद वाला गमछा पहनते थे क्या, और क्या, नहीं तो हवा कैसे जाएगी भैया, भैया आस्था नाम की भी कोई चीज होती है, आस्था का तो पास्ता बना देते हैं यार ये आम लोग, वही तो काम है, तो आस्था का क्या, ये देखो ये पूंछ को गौर से देखो, हाँ सर ये देखो जी, आपको कहाँ दिख रहा है छेद, अरे तो बिना छेद के कैसे, तो गमछा से निकला कैसे, पूंछ, पूंछ नीचे लगी है क्या, पैर में लगी है क्या, ये तो कहीं और ही लगी दिख रही भाई, ये तो गलत वहाँ कुछ और लगता है जब पूछ लगा दी उसने, हाँ यार हो सकता है वो बढ़ गया, देख के क्या लग रहा है, साबित क्या करना चाहते, साबित मैं ये पूछ, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ बस, ये भगवान है, हम ये साबित कर रहे हैं भगवान, वहां पर मॉरल टीचर सर कुछ लोग बर्नहोल भी लगाते, बताओ आपको छेद दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा है, तो बिना छेद के कैसे पूंछ बाहर निकलेगी, जो दिखे उस पर बात कीजिए, हाँ पूंछ की कटिंग भी हुई है सर, जो दिख रहा है उस पर बात कीजिए, जो नहीं दिख रहा है उस पर क्यों बात कर रहे हो, फिर गमछा के अंदर वाली चीजें भी आप बात करोगे, कुटाई होने लग गई, मम्मी जाग गई, ये क्या है भाई बताओ, क्या है बताओ ना, क्या कह रहा है भाई ये, क्या कह रहा है भाई, ये क्या बात कर रहा होगा, ये क्या बात कर रहे इससे बताओ, इशारा कर रहा है, मुझे क्या पता, ये इसको बोल रहे हैं सिंदड़ी दा सेवड़ा दा सखी सा बाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर और झूले लालन ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन अली दा पहला और साथ ही कह रहे बीड़ी बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, नहीं इस बार ये पिया, ये अच्छा ये सब बातें कर रहे हैं आपको, किस इस बार बोल रहे हैं सिंधड़ी दा सेवड़ा दा सखी सा बाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा दम दे अंदर, आपको किसने बोला, किसने बोला मतलब, वही तो है ये हनुमान जी, यही बात कर रहे हैं, आपको किसने बोला, हाँ दमादम मस्त हनुमान जी, फिर से
पहले तो ये फोटो हटा दीजिए आपके स्क्रीन पे से। नहीं ये वाली तो नहीं हटाऊंगा, ये वाली मेन फोटो है भाई, ये इस फोटो पे लौट के आता हूँ। सुनो भाई ये बताए मछली टूटती कैसे नहीं यार। दमादम मस्त कलंदर, हरे कृष्णा का पहला नंबर। आपने बोला कि वो हनुमान जी जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। सुनो भाई कौन से बाबा हैं भाई, ये कौन से बाबा हैं मछली वाले? झूलेलाल भगवान है भाई, ये इनके भगवान है। हाँ ये पता नहीं भगवान को भी चंड। हाँ ये मछली पे बैठ के घूमते थे। क्या है ये चड्डी चंड? नहीं चड्डी चंड नहीं बे भाई, मेरे नाम आप यही तो बोले अभी चड्डी चंड। नहीं 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 मेरा नेटवर्क भी की यार कुछ का कुछ सुनाई दे रहा है, अंडरस्टैंड सुनाई दे रहा है आजकल मेरे को। पहले ये बताइए कि आप कौन से धर्म में मानते हो? कौन से धर्म में मानते हो? सिंधी सिंधी चेटरी चंद्र मनाता हूँ मैं। चेटी भाई को मानते हैं। अरे आपको पता है हमारे यहाँ पे गुड़ी पड़वा और चेटरी चंद्र एक ही दिन पड़ता है भाई। ये मछली के ऊपर बैठ के घूमते, मछली डूबती नहीं क्या? देखिए दिखाओ, हनुमान का फोटो, हनुमान का फोटो दिखाया, उनके हाथ में पहाड़ है। भगवान हनुमान, हनुमान जी जी उनके हाथ में पहाड़ है तो पूरा दिन पहाड़ लेके घूमते। अगर लाल भगवान और हनुमान जी में लड़ाई होगी कौन जीतेगा? चलो बताओ। हनुमान जी, हनुमान जी। देखिए मैं यहाँ पे काल्पनिक बातें करने नहीं आया हूँ। तो ये काल्पनिक भगवान है। जो चीज पॉसिबल नहीं है वो चीज आप क्यों बोल रहे हो कि लड़ाई करवा देंगे, ये करवा देंगे? भाई जब आपका भगवान मछली के ऊपर बैठ के घूम सकता है, ये मछली के ऊपर क्यों बैठे हैं? ये देखो भैया जब नॉलेज देते हैं। हाँ ये वाली आप नहीं समझो, आप नहीं समझो, ये एक दो तीन पांच मछली के ऊपर बैठ गए भाई। हाँ सही कह रहे हो सर, मछली का शेप थोड़ा अजीब नहीं लग रहा भाई। और ये अंग्रेजों की ड्रेस पहनी हुई है इन्होंने, क्यों अंग्रेजों वाली ड्रेस? मेरे को सांप जैसा लग रहा है यार मछली का मुंह तो। ये इन्होंने इंडो वेस्टर्न पहना है सर। अच्छा अच्छा हाँ सर, आजकल ये चल रहा है थोड़ा। एक कमल का फूल इतना बड़ा कब से होने लग गया? पांच मछली एक बाबा फकीर जैसे, बाबा फकीर जैसे रूप धारण किया था उन्होंने इस वजह से। बाबा फकीर पर ये मछलियां ऊपर को पूंछ कैसे हो गई इतनी बड़ी? इनकी पूंछ डर के मारे हो गई बेचारी। और इनका मुंह बिल्कुल चिपक कैसे गया एक पास में, सांप जैसा मुंह? उनको छाव दे रहे हैं उनको। ये अच्छा ये देखो ये मछली तो डिप्रेशन में है भाई। ये मछली का मुंह देखो भाई, ये तो डिप्रेशन में आ गई है। ये कछुआ जैसा मुंह हो गया भाई इसका तो। वो उदास हो गई हो मछली, आदमी उठ नहीं रहा है, बोल रही है। इधर कुछ लिखा भी है मिस्टर जी ना, कमल के भारतीय सिंधी सभा लिखा है सर। अच्छा अच्छा ये नहीं नहीं ये तो सिंधु नदी की है, इंडस पाकिस्तानी मछली भाई। चिट्री चंड है ये मछली का यार, ये मछली डिप्रेशन में आ गई है यार, ये उठाओ भाई इनको, नीला कबूतर को। इसने होंठ कैसे कर लिया? कुछ मालूम नहीं है, आप सिर्फ पिक्चर देख देख के उसकी मजाक उड़ाते हो। आप पिक्चर देख देख के उसकी पूजा कर सकते हो, मैं सवाल नहीं पूछ सकता, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ भाई, मैं प्रणाम कर रहा हूँ झूलेलाल भगवान को। चेटी भाई, चेटी भाई को प्रणाम, मेरे आराध्य है भाई झूलेलाल भगवान। मगर वो मछली टेंशन में, बस आपको ये बता रहा हूं। उसकी प्रॉब्लम है आपकी नहीं। किसकी? मछली की जी। यार झूलेलाल भगवान उसके ऊपर बैठ गए, उठ नहीं रहे तो वो परेशान नहीं होगी? आपके ऊपर एक लद्द से कोई बैठ जाए ऐसे तो।
उनकी सवारी मछली के ऊपर क्यों? अच्छा सवारी है। हाँ सर, मछली के ऊपर क्यों बैठना है? अच्छा मॉरल सर ये देखो, ये इस फोटो में तो झूलेलाल भगवान घोड़े पे बैठे हुए हैं, और ये घोड़ा भी बड़ा बदसूरत है यार, अरबी घोड़ा है ये तो, हाँ। इंडियन नहीं है ये, और तलवार लिए हुए हैं। उधर मछली पे बैठे रहते हैं, इनका कुछ समझ में नहीं आता। झूलेलाल क्यों बोलते हैं भाई? मतलब ये झूला झूलते थे क्या? नहीं तो झूलेलाल क्यों बोलते हैं? झूलते रहते थे ये? आपको क्या लेना देना है भाई? अरे मैं जानना चाह रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए यार। गूगल कर लीजिए। हाँ तो गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए आप। गूगल में नहीं मिल रहा है ना? सब कुछ मिल रहा है यार, मगर एक बात है, झूलेलाल भगवान का बियर्ड शेप जबरदस्त है यार, कुछ भी बोलो। हाँ सर, इन्होंने काफी मतलब पर्सनल होगा इनके मेरे ख्याल से। हाँ सर, ये वाला देखो, रोज सुबह जाते होंगे बनवाने। एक मुठ रखनी जरूरी थी इस वजह से। मुठ रखनी मतलब कैसी गंदी बात करता है ये लड़का। वो इस्लाम में आता है ना, एक मुठ दाढ़ी रखने की होती है, इस वजह से उन्होंने रखा था। तो ये मुस्लिम है क्या जी? पहले थे ये, पहले मुस्लिम थे। ओ माय गॉड, ये क्या बात, घर वापसी हो गई जी। तो ये मुस्लिम से क्या है वो बन गए सिंधी? चेटी भाई मुस्लिम थे, अब मुझे आज पता चला सर, क्या बात है जी। अरे भाई ये मछली तो यार, ये देखो ये मछली डिप्रेशन में है यार, रो रही भाई। ये तो ये मछली को तो अली को, हजरत अली को मानने वाले जो है ना वो ये थे। अच्छा इनका खतना हो गया था? मैं फिर वहां पे आ गया। अरे तो मुस्लिम थे ना, तो खतना हुआ था क्या? पता मतलब नहीं। इनको चिड़िया इनको चिड़िया दिखाए थे क्या? चेटी भाई का खतना हुआ था क्या? आप लोग भी मुस्लिम ही हो ना? हम लोग, मैं नहीं, यहूदी हैं हम लोग। तो जाओ, यहूदी है ना तो जाओ लड़ो, मुस्लिम से लड़ो, वो आपसे नफरत नहीं, करते। हम लोग वाले यहूदी नहीं है भाई। हम लोग झूलेलाल भगवान को मानने वाले यहूदी हैं। यार ये मछली को तो यार कुछ तो करो भाई इस मछली का यार। मैं एनिमल राइट एक्टिविस्ट हूँ, पता है आपको? तो दूसरे भी भगवान जो है सबकी सवारी होती है ना। अरे तो ये मछली मर रही है भाई, उस मछली का मुंह देखो, उसके ऊपर तरस खाओ, उठाओ इसको। तो मछली पे बैठना क्यों है समझ में नहीं आया, बैठना ही क्यों है? चूहे पे तो फिर भी समझ में आता है, मछली पे बैठने का लॉजिक क्या है? इन्होंने ये मछली को बचाया था, ये मछली को बचा के बैठ गए उसके ऊपर। वो मछली बोलती मुझे मर वो मछली को बचा के उसके ऊपर बैठ गए दम से यार। पानी से बाहर निकाल के कैसे बचाया था यार, समझ में नहीं आया मुझे ये। मछली पानी से बाहर निकाल के बचा लिया, ये क्या बात हुई भाई? आप मछली खाते कि मछली है? ये वाली गोल्ड फिश है भाई, देखना जी, गोल्ड फिश है। आप मछली खाते हो क्या? जी खाता हूँ। यही वाली? नहीं, पाप पड़ेगा भाई। पापड़ खाते हो? पापड़ 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 खाते हो? पापड़ जी खाता हूँ। फलूदा फलूदा खाते हो? जी सब कुछ खाता हूँ मैं, आपको क्या है? सेवाई जी। अच्छा अब लास्ट बता दो, फिर सोएंगे अपन लोग सब भाई। इनका खतना हुआ था कि नहीं, बस बता दो।
आप घूम फिर के उधर ही क्यों आ जाते हो, मेरे को ये बताइए। क्योंकि मैं कोई भी खतना वाले भगवान को नहीं मानूंगा, सोच के रखा हूं मैं। बस बता दो हाँ या ना, खत्म करते हैं बात को, लास्ट। हाँ इनका खतना हो गया था जी। कहां से हुआ था, आगे से पीछे से? आपको कैसे पता चला? देखो फिर गलत चीज। अरे तो आप... पूछ रहा हूँ यार मैं भाई, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे क्या पता कहां से हुआ खतना। यार कहां से हुआ कभी खतना हुआ है बताओ मोरल सर, मतलब यार हाथ धो गई है यार। भगवान लोग कभी खतना हो जाता था? हाँ सर ये तो बड़ा खतरनाक काम है। पहले मुस्लिम थे इस वजह से। चलो ठीक, आपका तो नहीं हुआ है ना जी? नहीं आपने मंदिर नहीं बनाया जब खतना हुआ था? खतना हुआ था वो मंदिर बनाया कि नहीं इनका? तीर्थ स्थान होना चाहिए था वो तो। खतनेश्वर, खतनेश्वर बना लो। वैसे हमारा हरे कृष्णा भाई है बड़ा प्यारा इंसान यार, ये बहुत अच्छा आदमी यार है ना यार, है बहुत प्यारा इंसान यार। बताते रहो भाई, बढ़िया टॉलरेट। आपको तमीज नहीं है आप लोगों को बात करने की? अच्छा मैं अगली बार गुड्डा भैया मेरा, अगली बार मैं आपसे पूरा तमीज से प्यार से बात करूंगा ठीक है? अब सारे धर्मों को ऐसे बोलते हो? नहीं नहीं हम ऐसा काम करो, सुनो हाँ बताओ। एक काम करो, आप सारे धर्मों को ऐसा बोलते हो ना ठीक है, तो इस्लाम के बारे में भी बोल दो ना। इस्लाम के बारे में कैसे बोल दो यार, हमारे झूलेलाल भगवान का खतना हो गया था। और क्या, चेटी भाई पहले मुस्लिम ही थे पर फिर नहीं रहे ना, तो क्या बोलना है? अच्छा जी इस्लाम के बारे में बताओ। आपको वो सब चीजें नहीं दिखती क्या? कौन सी वाली? तो रो क्यों रहे हो भाई आप, रो क्यों रहे हो यार? कौन सी चीज बताओ जिसका खतना हुआ था वो? आप क्या देखो, मेरी आदत है नहीं कि मैं आपके जैसे गद्दा में बोल सकूं ठीक है? क्या बोल दूं? मैं सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं भी भाई, मैं खुद करता हूं, सारे धर्मों की रिस्पेक्ट नहीं करता, करता हूं, सबको बराबर ठोकता हूं। बस यही यही चीज आप में गंदगी है। अच्छा मेरे में गंदगी, चलो मान लिया भाई ठीक है, और कुछ बता दो। बिना सर ना पाओ बस ऐसे ही बकवास करे जा रहे हो। वो नहीं, एक आदमी यार वो मछली पे बैठा हुआ है, मछली इतनी गंदी होती है उस पे बैठ गए, वो मछली भी मर रही है यार। बताओ मछली गंदी होती है तो लोग पालते है क्यों? खाने के लिए। अच्छा तो घर में लोग एक्वेरियम रखते हैं उसका क्या? वो भी खाने के लिए? वो तो बिचारे झूलेलाल भगवान बैठ जाते हैं ना उसके ऊपर। गोल्ड फिश तो नहीं खाते ना लोग? खा लो, कोई नहीं रोका। बैठ जाओगे? अरे बाबा सवारी है जैसे के। अरे क्यों सवारी है यार, किसी मछली की आज के वक्त में इलेक्ट्रिक कार्स आ गई है यार, उसकी सवारी करो। मछली पे बैठ के कौन चलता है सर, समझ में नहीं। मछली तो चलती भी नहीं है। तब थी इलेक्ट्रिक गाड़ी, तब थी, तब मछली मतलब चलती थी। मछली चलती थी तब? मछली सड़क पे चल सकती है? आपने देखा क्या कभी? क्या झूले भाई सड़क पे चलते हुए मछली को? तो झूले लाल भगवान के उसमें बैठे फिर। वो पानी का जीव है, मछली पानी का जीव है। तो वो पानी में रहते थे उनका लाल भगवान? नहीं। हाँ नहीं, तो फिर मतलब समझ नहीं आया यार मेरे को, मछली पे क्यों बैठे हैं भाई? भाई मेरे को फॉल्स थोर सर एक आइडिया पकड़ा दिए, जाते जाते इनको दिखा देते हैं।
ये कौन है भाई बताओ? वॉल्स वॉल्स तो सर कह रहे मछली जल की रानी है, रात को तेल लगा के एक्वामैन है ये। एक्वामैन है ना जी? गलत, झूलेलाल भगवान है भाई ये देखो। क्या बात कर रहे हैं झूलेलाल ऐसे? हाँ सर, बॉडी बॉडी बनी। हाँ खतना भी है नीचे, हद हो गई है तो। भाई ये काल्पनिक कैरेक्टर है, आप क्यों मिक्स कर रहे हो? तो आपका वाला क्या है फिर? आपका वाला ये देखो झूलेलाल भगवान भाई, झूलेलाल। अब देखने जाओगे ना तो अगरबत्ती वगैरह लेके जाना साथ में थिएटर, झूलेलाल भगवान आए बोल के। देखे भाई मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? आप एक काल्पनिक कैरेक्टर को झूलेलाल बोल रहे हो? एक्वामैन झूलेलाल भगवान। ये काल्पनिक कैरेक्टर है वो झूलेलाल भगवान सही है मछली पे बैठे हुए। मानो जावे भाई बोल रहे एक्वा लाल नाम है इसका। एक काल्पनिक कैरेक्टर को आप धर्म के साथ जोड़ रहे हो, बहुत ही गलत चीज। बाकी यार हरे कृष्णा भाई यार काफी अच्छे इंसान हो यार आप, ना आते रहा करो यार। मैं इतना सबर कर रहा हूँ, नहीं तो क्या करते अगली बार हरे कृष्णा अगली बार आना, अभी अभी इस चीज को मत बताओ, मुझे ये बताइए क्या कर लो। अच्छा बहुत मजाक उड़ा ली, मुझे ये बोलिए आप कौन से रिलीजन में हो? यहूदी। सिंधी हूँ, सिंधी। देखो झूलेलाल भगवान को मानते, तिवारी लिखा हुआ है ना, तो क्या हम नहीं मान सकते? झूले तिवारी। हाँ झूले तिवारी। प्रणाम कर भाई, ये फोटो पहले हटा दीजिए। ये चिड़ गया यार, चिड़ गया। ये चिड़ गया भाई, चिड़ गया। चलो नहीं, भाई नहीं, अगली बार आना ठीक है। हरे कृष्णा भाई, नेक्स्ट टाइम ठीक है आना भाई। पहले आप तमीज सीख लो। तमीज सीख लेंगे भाई, अगले आप आना, तमीज सीख लो। बुधवार को आना भाई, बुधवार को। आप सबको मतलब खुद का धर्म के बारे में बता रहे हो, आप कौन से धर्म से हो वो बताइए, मैं आपकी पोल खोलता हूँ। रुको अगली बार मेरी पोल खोल देना, मैं झूलेलाल भगवान को मानता हूँ, मेरी पोल खोल देना ठीक है। अगली स्ट्रीम में आना बुधवार को, ठीक है भाई। अगली स्ट्रीम में आना, आपको अगर हिम्मत है तो आना, मैं बताऊंगा सब सब पोल, सब सब बताएंगे और सारी पोल खोलेंगे आपकी।